नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कैला देवी माता के दर्शन कराने वाला हूं। और दोस्तों आज नवरात्रि का चौथा दिन है और अभी हम दोस्तों काली सिंह पे, यहां से हम स्नान करेंगे, फिर उसके बाद हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे। और यहां पर सभी लोग स्नान कर रहे हैं, तो अभी हम स्नान करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे माता रानी के मंदिर। दोस्तों लोगों का ऐसा मानना है कि काली सिंह नदी में स्नान करने के बाद ही माता रानी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि माता रानी इससे प्रसन्न होती है और सभी की मनोकामना पूरी करती है। तो बस यही आस्था है कि सभी लोग पहले काली सिंह नदी में स्नान करती हैं, फिर उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कैला देवी का जो भवन है वहाँ पर कितनी भीड़ है और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सारी डिटेल्स के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और सभी लोग जो भी स्नान कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये सारे लोग कैला देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं भवन की ओर और आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों ये जो काली सिंह नदी का घाट है वो भवन के पास में ही बना हुआ है, तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं सीधे दोस्तों माता रानी के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं ये घाट द्वार है, यहाँ से हम अभी स्नान करके माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं इस बार भवन में कितनी भीड़ मिलती है और कितना टाइम हमें लगने वाला है दर्शन करने के लिए। तो ये भवन के आसपास के नज़ारे। दोस्तों अभी हम माता रानी के भवन के पास पहुंच चुके हैं और अभी आप देखेंगे तो सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन अभी 9 बजे हैं और भीड़ आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है अभी, और लंबी लाइन भी लगी हुई है। इसे आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम लाइन में लगेंगे। और आज मैं आपको कैला माता के दर्शन कराऊंगा 2023 में कितनी भीड़ है और नवरात्रि का ये चौथा दिन है। तो चलिए उस चलते भवन की ओर। दोस्तों ये भवन की ओर जाने का रास्ता है, सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी सारी पूजा के सामान की दुकानें हैं। और दोस्तों ये है भवन में जाने का प्रवेश द्वार, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से हम भवन के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। और अभी हमने प्रसाद ले लिया है जिसमें एक सूखा नारियल है, चुन्नी है और कुछ अगरबत्ती वगैरह है, जो कि अंदर जलाया नहीं जाता लेकिन आसपास ही इनको रख दिया जाता है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए और अभी हमने प्रसाद ले लिया है और भीड़ काफी कम है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ, ये भवन की ओर जाने का रास्ता है। दोस्तों मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले से ही हमें पाइपों के कॉरिडोर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनमें सभी भक्त आराम से जाते हैं लाइन लगाते हुए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं भवन की ओर जा रहा हूं और इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है दोस्तों, काफ़ी आसानी से अभी हम जा रहे हैं। लगता है दोस्तों आज काफ़ी जल्दी हमें दर्शन होने वाले हैं, और पिछली बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इन दिनों में, लेकिन इस बार तो कमी भीड़ है। शायद पड़वा वाले दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अगर जो भीड़ मिलेगी दोस्तों वो शायद मुझे लगता है 8 या फिर 9 मई को मिल सकती है। फिलहाल अभी हम चलते हैं दर्शन। दोस्तों मैंने तो ये सोचा था कि माता रानी के भवन के दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, आराम से लाइन चल रही है, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर लोग चल रहे हैं। दोस्तों ये है आपातकालीन निकास द्वार, अगर किसी वजह से यहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो यहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। और आज तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आराम से हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो भीड़ आप देख सकते हैं सामने जो दो लोग चल रहे हैं वही भीड़ है, लेकिन थोड़ा जैसे मैं आगे आया तो देखने के लिए भीड़ मिली, काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिली। और देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना टाइम लगेगा अभी हमें भवन तक जाने के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो सारे लाइन में भीड़ में लोग लगे हुए हैं लाइन से दर्शन के लिए। और दोस्तों बताना चाहूँगा सुबह के तकरीबन अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं माता रानी के भवन की ओर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन है और सभी लोग दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, मैं भी और मेरे दोस्त भी हैं साथ में, जैसे आप देख रहे हैं। दोस्तों ये है कैला माता के गर्भगृह का रास्ता, यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी भीड़ हमें बस यहीं देखने को मिली। और सभी लोग हैं जो कि दर्शन के लिए अंदर एक एक करके जा रहे हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ से फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको माता रानी के दर्शन कराऊँगा। और देखेंगे तो दोस्तों मेरे साइड में यहाँ पर ही प्रसाद वगैरह डाला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहीं पर ही नारियल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि प्रसाद हमने यहाँ पर अपना रख दिया है, बस कोई अगरबत्ती दीपक नहीं जलाया जाता यहाँ पर, तो बस इस प्रकार से यहाँ पर पूजा होती है। और अब मैं आपको कैला माता के दर्शन कराता हूँ,
तो दोस्तों आप कर रहे हैं कैलाश माता के दर्शन, तो इसी रूप में माता रानी इस गर्भगृह में विराजमान है जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट में जय कैलाश माँ जरूर लिखना। और दोस्तों अभी हम मंदिर परिसर में दर्शन करने के बाद बाहर की ओर आ चुके हैं। ये यहाँ का निकास द्वार है जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। और अभी हम मैं जाऊँगा दोस्तों मंदिर के बाहर की ओर, वहाँ के भी मैं आपको इस वीडियो में दर्शन कराऊँगा सभी स्थानों के, जैसे कि मैंने आपको कर दोस्तों ये माता रानी के भवन का निकास द्वार है। अभी हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और आपको दोस्तों यह माता रानी के गर्भगृह का पीछे का हिस्सा है। और दोस्तों यहाँ पर लोग अपना सिक्का चिपकाते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है जिन लोगों का सिक्का यहाँ पर चिपक जाता है तो उनकी मनोकामना माता पूरी कर देती है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिक्का चिपकाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे के सारे काफ़ी सारे सिक्के यहाँ पर चिपके हुए हैं। और अभी तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आपने कभी भी यहाँ पर सिक्का चिपकाने का ट्राई किया है तो मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही आपको छोटे छोटे फोटो स्टूडियो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर माता रानी के सब रूप रखे हुए हैं जिन पर बैठकर लोग माता रानी के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। और अभी मैं हूँ दोस्तों मंदिर के आसपास ही, सामने आप देख रहे हैं दोस्तों ये है माता रानी का मंदिर, यहाँ पर अभी हम दर्शन करके आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारे गेट हैं जो कि वीआईपी लोग यहाँ से दर्शन करने के लिए जाते हैं। और भवन के आसपास के नज़ारे काफ़ी शानदार है दोस्तों, यहाँ से रास्ता खुला हुआ है लेकिन कभी कभार बंद हो जाता है ये। और दोस्तों ये है विकलांग एवं असहाय लोगों के लिए द्वार है ये, चूँकि लोग विकलांग और दिव्यांग वगैरह होते हैं उनके लिए रास्ता है। और दोस्तों मंदिर परिसर के आसपास काफ़ी बड़े बड़े पानी के टैंक लोगों के लिए लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को पानी की समस्या ना हो। और बताना चाहूँगा दोस्तों ये मंदिर के आसपास के नज़ारे हैं, अब मैं आपको यहाँ के भी दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों ये है दीपदान, यहाँ पर लोग माता रानी के दर्शन करने के बाद दीपक वगैरह जला सकते हैं। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जिनके लोग दर्शन करते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ के भी दर्शन करा दूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ के जो दो से तीन मंदिर है छोटे छोटे वहाँ के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पर बने रहना। दोस्तों सामने आप जो रास्ता देख रहे हैं वो कालशील नदी के घाट की ओर जाता है, यहीं से हम आए थे माता रानी के दर्शन के लिए। और सामने आप देख रहे हैं दोस्तों ये है हवन कुंड, हवन स्थली, यहीं पर ही लोग हवन वगैरह कराते हैं और ये है दोस्तों निःशुल्क है। और चलिए दोस्तों अब मैं आपको माता रानी के सबसे प्रिय भक्त भगोरा बगीची के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह जो भगोरा भगत है वो माता रानी के सबसे प्रिय भक्त है। और इनका जो मंदिर है दोस्तों वो माता रानी के ठीक मंदिर के सामने की ओर बना हुआ है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आते हैं भगोरा भगत जी के, जो कि आपके सामने विराजमान है। और यहाँ पर लोग कलावा भी बनवाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स सभी के लिए कलावा यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर लोग भगोरा भगत जी की परिक्रमा भी करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं भी आपको परिक्रमा करा रहा हूँ। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग हैं जो कि घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं और उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कैला माता उनकी कुलदेवी हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने लोगों की कैला माया कुलदेवी जी हैं। दोस्तों इस बार कैला देवी के दर्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गए, इस बार बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, लेकिन पिछले साल काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पिछली बार तकरीबन एक घंटे तक लाइन में लगना पड़ा था, लेकिन इस बार तो 15 मिनट में ही नंबर आ गया दर्शन के लिए। और दोस्तों अगर आप कैला देवी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, उस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो आप काफ़ी आराम से दर्शन कर पाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी मैं भवन के बाहर हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, अभी शाम से तकरीबन 4 बजे है। और दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ लोकोपाली माता मंदिर के दर्शन, जिसका वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।